नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। संजीवनी बूटी भी फेल है, इसके आगे धरती का अमृत है, कहीं मिल जाए तो छोड़ना नहीं, लाखों की दवाई है ये। दोस्तों अरबी कौन नहीं खाता होगा, हम सभी के घर में इसकी सब्जी भी बनती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको अरबी के नहीं, अरबी के पत्तों के बारे में और ये पत्ते के बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। अरबी के पत्ते से होने वाले फायदे के बारे में बात करूंगा। दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है, उसके अनुसार अरबी के पत्ते सेवन करने से 20 फायदे आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि ब्लड प्रेशर में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, डायबिटीज में अरबी के पत्ते को कैसे प्रयोग किया जाता है, जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, अर्थराइटिस यानी गठिया की प्रॉब्लम में कैसे आपको निजात मिलेगा, वजन को घटाने के लिए, बेली फैट को कम करने के लिए अरबी के पत्तों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, विभिन्न अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से दोस्तों अरबी के पत्तों का प्रयोग किया जाता है अलग अलग जड़ी बूटी के साथ में, तो दोस्तों इसका आपको सही नॉलेज होना जरूरी होता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़ के न जाएं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, हमें कोई लाइक करने के पैसे नहीं मिलते, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो, वो पसंद करते हैं तो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन प्रेस कर देना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल पाए और आप सारी वीडियो का लाभ उठा पाए। दोस्तों अरबी के पत्ते में विटामिन ए बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप एक कप अरबी के पत्ते खाते हैं तो आपकी जो दैनिक जीवन की विटामिन ए की जो प्रॉब्लम चल रही है जो डेली बेसिस पे, उससे दोस्तों 100% से भी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और दोस्तों जो एक दिन की पूर्ति होती है ये पूरी तरीके से फुलफिल कर देगा। दोस्तों विटामिन सी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, थायमिन, जिंक, कॉपर, सल्फर, इसके बीच में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपको विभिन्न स्वास्थ्य लाभ देने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले फायदे के बारे में बात करें, अरबी के पत्ते आपके पाचन तंत्र के लिए ये इतने फायदेमंद है आप सोच नहीं सकते। आपको इसका सेवन किस तरीके से करना होगा आइए हम जानते हैं। सेवन करने के लिए आप अगर अरबी के पकौड़े भी खा सकते हैं, या फिर दोस्तों अरबी के पत्तों को पका करके इसकी अच्छी तरीके से सब्जी बना लीजिए। अगर दोस्तों इसको अगर आप पका कर खाते हैं तभी आपको ये फायदा करेगा। इसके बीच में सॉल्युबल फाइबर बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में होते हैं। फाइबर की मात्रा अरबी के पत्ते में इतनी गजब की होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और फाइबर युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो दोस्तों अरबी के पत्ते को धो करके और इसको पका करके उसके बाद ही इसका प्रयोग कीजिए आप। तो दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये साइड इफेक्ट भी दिखा सकता है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको पहले अच्छे तरीके से धो लेना होगा, उसके बाद में आप इसकी सब्जी बना सकते हैं या फिर पकौड़े बना सकते हैं। अरबी के पत्ते आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। तो जिन भी भाई और बहनों को पास का बिल्कुल दिखाई नहीं देता, या फिर अंधेपन की समस्या, या फिर हम बोल सकते हैं मोतियाबिंद की समस्या, ये सभी प्रकार की समस्याओं में दोस्तों बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है अरबी के पत्तों को पकाकर खाना। आप किसी भी तरीके की इसकी सेवन कर सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका प्रयोग आप हफ्ते में एक से दो बार जरूर करिएगा। अरबी के पत्ते दोस्तों कैंसर से बचाने में बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। आप दिन में दो से तीन बार इसकी सब्जी बना करके खा सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ नीम के पत्ते को हल्दी में और पानी में, और जो पानी होना चाहिए वो कॉपर वेसल का होना चाहिए, यानी कि तांबे के बर्तन का पानी होना चाहिए, और उस पानी को हल्का गुनगुना पानी कर लेना चाहिए और एक ही चुटकी की मात्रा में नीम और हल्दी ले लेना है। और साथ ही साथ अरबी के पत्तों की सब्जी आप हफ्ते में 2 से 3 बार खाते हैं तो ये कैंसर से बचाने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों अरबी के पत्ते बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए। देखिए दोस्तों कोलेस्ट्रॉल होना बुरा नहीं होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल अगर आपके शरीर में होता है तो आपका हार्ट यानी कि आपका दिल बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहता है। कभी भी आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी या फिर आर्टरीज या फिर वेन्स ब्लॉक होने की बीमारी कभी नहीं आएगी। और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण ही दोस्तों आजकल लोगों में हार्ट अटैक की बीमारी होने लगी है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए इससे जबरदस्त उससे बेहतरीन दोस्तों और कोई चीज हो नहीं सकती, ये अरबी के पत्तों का प्रयोग करना। ये दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में और बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में आपके शरीर में बहुत ज्यादा मदद करता है। नंगे पैर जमीन पर चलना और दोस्तों किसी न किसी प्रकार का शारीरिक व्यायाम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अरबी के पत्ते खून की कमी को दूर करने के लिए, अनिमिया की समस्या को दूर करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अरबी के पत्ते को ली करके दोस्तों अगर आप इसको कूट करके इसकी अच्छी तरीके से चटनी बना लेते हैं, वो दोस्तों साथ में अगर चटनी बनाने के बाद में दोस्तों इसको थोड़ा सा पका करके हल्का सा तेल के बीच में डाल करके हल्का सा आपको सरसों का तेल ले लेना होगा, अगर आप इसको पकाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, लाभकारी होगा आपकी अनिमिया की यानी कि खून की बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने
करने में। आपकी ब्लड को बढ़ाएगा, आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है और आरबीसी काउंट को और हीमोग्लोबिन को और साथ ही साथ दोस्तों डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स की काउंट को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों ये अपनी फेस पे बनी हुई झुर्रियों को भी दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अरबी के पत्तों को काट ले, तोड़ लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद में इसको कूट करके इसकी बारीक अच्छे से चटनी बना लीजिए। चटनी बनाने के बाद में दोस्तों अगर आप इसकी चटनी को जहाँ पर भी आपको चेहरे पे झुर्रियां रहती है इसकी चटनी में आप एलोवेरा जल, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल और साथ ही साथ टमाटर का प्यूरे मिला करके अगर आप अपने चेहरे पे लगाते हैं तो दोस्तों ये भयंकर से भयंकर पुरानी से पुरानी झुर्रियों को भी पूरी तरह से खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों वजन कम करने में बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं अरबी के पत्ते। अरबी के पत्तों में दोस्तों इस प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में, कैलोरीज को जल्दी जल्दी बर्न करने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं, जिसके कारण वर्ष दोस्तों आपका जो बेली फैट है बहुत ही जल्द पिघलना शुरू हो जाता है। एक हफ्ते में दोस्तों मिनिमम अरबी के पत्ते की मदद से 5 से 7 किलो आप अपना वजन कम कर सकते हैं। अरबी के पत्तों को कूट लीजिए। अरबी के पत्ते को आप अलग सा पका करके पानी के बीच में डाल करके आधे छोटे चम्मच की मात्रा में इसकी चटनी अगर आप इसके बीच में नींबू के रस के साथ में अगर आप शहद के साथ में लेते हैं तो ये वजन को घटाने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों इसके कुछ नुकसान भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फायदे तो मैंने आपको बहुत बता चुके हैं। यदि आप अगर अरबी के पत्तों को अगर आप ठीक से नहीं पकाते हैं तो दोस्तों ये विषैले भी होते हैं, कुछ लोगों को इसके सेवन से एलर्जी हो सकती है। और यदि आप अगर दोस्तों त्वचा पे आप इस पत्तियों का उपयोग करते हैं दोस्तों ये आपको सूजन भी कर सकता है, तो आपको दोस्तों सही जानकारी होनी चाहिए किस तरीके से आपको इन पत्तियों का विभिन्न बीमारियों में सेवन करना चाहिए। खुले घाव पे आपको अरबी के पत्ते कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप अरबी के पत्ते वहाँ पर रखते हैं तो ये पत्ते आपकी सूजन को और बढ़ा देंगे और पूरी स्किन को लाल लाल कर देंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको खुजली भी हो सकती है, बस यही आपको एक नुकसान होता है। इसीलिए दोस्तों अरबी के पत्ते को आपको पका करके ही सेवन करना चाहिए। पका करके आप इसके पकौड़े बना सकते हैं, पका करके आप इसकी सब्जी बना सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। और साथ ही में दोस्तों आयरन की कमी को दूर करने में बालों के लिए तो इतने ज्यादा फायदेमंद होती है। ये अरबी के पत्ते बायोटिन, मेलानिन और टैनिन नामक तत्व इस बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो कि बालों को काला, घना, लंबा लंबा मोटा करने में बहुत ज्यादा मदद करती है और दोस्तों साथ ही साथ मजबूती प्रदान करने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करता है। अरबी के पत्ते सेवन करने से दोस्तों जोड़ों का दर्द, घुटनों का, हाथों का, पैरों का दर्द भी दूर हो जाता है। और साथ ही साथ अरबी के पत्ते को पका करके जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में अगर आप लगाते हैं तो वो भी जड़ से खत्म हो जाता है। दोस्तों ऐसी सभी प्रकार की बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर देगा ये अरबी का पत्ता। आपको अरबी का पत्ता कहाँ से लेकर के आना है दोस्तों, ये किसी भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप चाहेंगे तो आपके आसपास में कहीं लगा हुआ मिल जाएगा या फिर आप इम्पोर्ट भी करा सकते हैं। ये इजीली बाहर से मिल जाता है, ज्यादातर ये पानी वाले एरिया में पाया जाता है। तो मैंने इसके प्रयोग बता चुका हूँ किस प्रकार से आपको प्रयोग करना होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई है। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन पर दबा के ऑल के ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों अब मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।